दुनिया में ये बहस होती है कि सबसे मुबारक पानी कौन सा है, सबसे बेहतरीन पानी कौन सा है, पाकीज़ा पानी कौन सा है। लोग कहते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जो कदमों से जारी हुआ आबे जमजम वो बेहतर है, वो बड़ा मुबारक है। यकीनन बड़ा मुबारक है। मक्का पाक जाते हैं, मदीने तैयबा जाते हैं, बार बार पीते हैं, दिल ठंडा हो जाता है। मगर खुदा की कसम हुदैबिया वालों पर हमारी जाने कुर्बान, उन सहाबा को जो पानी पीने को मिला ना, हम तो वो बात सुनकर ईमान ताज़ा करते हैं। हुआ क्या था, 1500 सहाबा हैं, उमरा करने जा रहे हैं, मदीने पाक से मक्का जाना है, रास्ते में पड़ाव डाला गया, सहाबा आकर कहते हैं हुजूर पानी नहीं है, थोड़ा सा पानी रह गया, वजू भी करनी है, जानवर भी प्यासे हैं, हम भी प्यासे हैं। अरे सहाबा से कोई तो कहता पानी चाहिए तो किसी आसपास कुएं पे ढूंढो, पानी भी तुम्हें नबी पाक के पास से लेना है। सबका अकीदा था नहीं, सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। नबी पाक ने फरमाया ऐसा करो जितना पानी है सब जमा करो। सारे सहाबा ने मिलकर जमा किया। रिवायत के अल्फाज हैं, एक बर्तन भी पूरा नहीं भरा, यानी सबने अपनी छागल अपने थर्मोस कह लें सब डाले, इतने सारे सहाबा से मिलाकर भी इतना पानी नहीं था कि एक पूरा बर्तन भरता। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हमने बड़े वाकयात सुने हैं कि हजरत मूसा ने अपना असा मारा था, 12 चश्मे जमीन से जारी हुए। जनाब जमीन से पानी निकलना अकल में आता है, आज भी बोरिंग करो तो पानी निकल आता है, पहाड़ों से चश्मे जारी होते हमने भी देखे, पत्थरों से आबशार हमने भी देखे हैं, मगर मेरे आका की शान निराली है। आका ने कोई असा उठाकर जमीन पर नहीं मारा, ठोकर किसी पहाड़ पर नहीं मारी। अल्लाह के हबीब ने अपना मुबारक हाथ जो है उस प्याले में रख दिया। सहाबा कहते हैं अपनी आंखों से देखा, पांचों उंगलियों से फव्वारे जारी हो गए, ऐसा पानी जारी हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज शायद 200-300 लोगों की दावत है, अब्दुल अहद से पूछो कितना पानी रखा है, कितनी कोल्ड ड्रिंक रखी है, एक आदमी के लिए 2-3 कोल्ड ड्रिंक और पानी का निजाम रखना पड़ता है। यार 300 मेहमान हैं, 1500 सहाबा हैं, काफी देर के प्यासे हैं, वुजू भी करना है, जानवरों ने भी पीना है, सोचो कितने टैंक पानी की जरूरत होगी। सहाबी कहते हैं इतना जोश था, 1500 सहाबा ने पानी पिया, जानवरों ने पानी पिया, बर्तन भर लिए, और कहते हैं अल्लाह की कसम इतना जोश था 1,00,000 सहाबा होते वो भी सबको पूरा हो जाता है। अब मेरे आका ऐसा मौजजा दिखाएं तो बरेली के ताजदार का कलम कैसे खामोश रहे। आप क्या कहते हैं, फरमाते उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। हजरत कतादा की आंख की बात करूं, ये सहाबा की टूटी हुई पिंडली की बात करूं, किसी सहाबी को लकड़ी पकड़ाते वो नूरानी हो जाती, किसी हबशी के चेहरे पर हाथ फेरते तो वो नूरानी हो जाता। अरे किस कमाल की और किस किस इख्तियार की बात करूं। अरे आज तक हमने सुना है कोई किसी को माल दे सकता है, कोई किसी को खाना दे सकता है, चलो कोई किसी का इलाज भी कर सकता है, मगर ये कभी नहीं सुना था कि जनाब कोई किसी को याददाश्त और हाफजा भी दे सकता है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं आका के कदमों में रहता था, मगर प्रॉब्लम यह था रोज हदीस सुनता था, याद नहीं होती थी, सबक याद नहीं होता था, बड़ा अफसोस होता था, इतनी प्यारी मोतियों जैसी बातें सुनता हूं मगर हाफजे में क्यों नहीं रहती। साहबा को पता था व्हाटएवर प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन द कोर्ट ऑफ रसूल पाक। चलो आका की बारगाह में पहुंच गए, हुजूर मुझे कुछ याद नहीं रहता, हुजूर मुझे मेरा हाफजा बड़ा कमजोर है। अब जरा हदीस के अल्फाज सुनिएगा, आका ने कहा अबू हुरैरा अपना दामन फैलाओ, अपनी चादर फैलाओ। कहते मैंने आका की बारगाह में चादर फैलाई, नबी पाक ने अनसीन हाथ में कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर आका अलैहिस्सलाम ने अपनी मुट्ठी मेरी चादर में खोल दी। फरमाया अबू हुरैरा इस चादर को सीने पर लगा लो। हम जैसा कोई मतलबी आदमी दुनियावी आदमी होता तो कहता हजरत कुछ डाले तो सही, नजर तो कुछ नहीं आ रहा, कह रहे ले जाओ, मैंने तो इतनी मोहब्बत से आपके पास दूर से आया था। सहाबी का अकीदा देखो, कहते मैंने चादर सीने से लगा ली, वो दिन था और आज का दिन है, आका जो फरमाते मुझे याद हो जाता है। और इसका मजर पता है क्या है, हैं उलमा बैठे हैं, सारे सहाबा में जिस सहाबी ने सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की ना, वो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु हैं। यानी इससे पहले उन्हें याद कुछ नहीं होता था, और आका ने वो अता फरमा दिया कि अब जो नबी पाक फरमा